हिजबुल्ला जिसका लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा है, जिसका लेबनान की बड़ी आबादी के दिलों पर कब्जा है, जिसका जोर लेबनान की संसद तक है, हिजबुल्ला जिसे ईरान से मदद मिलती है, वो आखिर कैसे इतनी जल्दी तबाह हुआ? उसके टॉप के कमांडर मारे गए, उसका हेडक्वार्टर मटिया मेट हो गया। इसराइल ने उसे विस्फोटकों वाले हजारों पेजर सप्लाई कर दिए और फिर उनमें धमाके करा दिए। उसका चीफ नसरल्लाह तक बच न सका। आखिर इसराइल ने 10 दिन में ऐसा क्या किया, कैसे हिजबुल्लाह को एकदम कमजोर कर दिया? 17 सितंबर शाम का वक्त, बेरूत के बाजारों में चहल पहल, भीड़ भाड़, अचानक कई धमाके एक साथ, बाजार में, दुकानों में, घरों में, सड़क पर तड़पते लोगों के हाथों में, जेब में पड़े मेज पर रखे पेजरों में धमाके हो रहे थे। कुछ ही मिनटों में साफ हो गया कि ये एक बेहद विस्तृत और योजनाबद्ध तरीके से हिजबुल्लाह पर किया गया हमला है, क्योंकि हिजबुल्लाह के अधिकतर सदस्य इजरायली सर्विलांस से बचने के लिए पेजर ही इस्तेमाल करते रहे थे। 30 से ज्यादा की मौत हुई, कई घायलों की आंखें चली गई, कई के हाथ। ये हमला कैसे संभव हो पाया, कैसे इसराइल की मोसाद ने इसे अंजाम दिया, इस पर चर्चा होने लगी। कहा जा रहा है कि शेल कंपनियों के जरिए इसराइल ने हिजबुल्लाह को ये पेजर सप्लाई कर दिए और इनकी बैटरियों में विस्फोटक ऐसे छुपाए कि हिजबुल्लाह को भी भनक नहीं लगी। 18 सितंबर पेजर हमले से हिजबुल्लाह उबरा भी नहीं था कि अगली शाम एक बार फिर धमाके होने लगे, इस बार वॉकी टॉकी में, सोलर पैनल में और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। दहशत और अफरा तफरी का माहौल, फिर लड़ाके मारे गए और घायल हुए और हिजबुल्लाह की आपसी संचार व्यवस्था को बड़ा धक्का लगा। 19 सितंबर पेजर और वॉकी टॉकी हमलों के बाद हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने टीवी पर आकर एक बयान दिया, कहा कि इसराइल ने सभी रेड लाइन पार कर ली हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि नसरल्लाह ने यह भी माना कि हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान हुआ है। السبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على اهل غزه وعلى قطاع غزه وتبعا على الضفه الغربيه هذا الطريق الوحيد غير هيك ما في شيء لا تصعيد عسكري ولا قتل ولا اغتيالات ولا حرب شامله تستطيع ان تعيد السكان الى الحدود ابدا ان شاء الله في سبتمبر इसराइल ने बेरूत के दाहिये इलाके में जबरदस्त हवाई हमले किए। हमले में कम से कम 45 लोग मारे गए। बताया जाता है कि इनमें से कम 16 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। इनमें वो इब्राहिम अकील भी शामिल था जिस पर अमेरिका ने $7 मिलियन का इनाम रखा था। इसे अमेरिका बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले और अमेरिकी नौसैनिकों पर हमले और अमेरिकी अधिकारियों के अपहरण में शामिल मानता रहा है। इसके अलावा अहमद वहबे भी मारा गया। इससे पहले जुलाई में फुआद शुक्र को मारने में इजराइल कामयाब रहा था। 21 सितंबर अब अंदेशा यह था कि हिजबुल्लाह इजराइल पर बहुत बड़ा हमला करेगा, कुछ तो बदला लेगा। बीच बीच में मिसाइल और रॉकेट तो दाग ही रहा था, जिनमें से ज्यादातर इंटरसेप्ट हो रहे थे, लेकिन उल्टा इसराइल ने ही एक बहुत बड़ा हवाई हमला लॉन्च कर दिया। हिजबुल्लाह के हजारों रॉकेट, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर नष्ट हो गए। कहा कि उसे खबर लग गई थी कि हिजबुल्लाह बड़ा रॉकेट हमला करने वाला है। बाईस सितंबर को भी इसराइल के हमले जारी रहे और इजरायली सेना ने ऐलान किया कि उसने पूरे लेबनान में हवाई हमले कर
हिजबुल्ला के हजारों रॉकेट लॉन्चर और सैन्य ठिकाने नष्ट किए हैं। तेईस सितंबर लेबनान के लिए बेहद खूनी दिन रहा। इजरायली हमलों में 558 लोग मारे गए, जिनमें 50 बच्चे और 94 महिलाएं थी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल मदद पहुंचा रहे लोग सब चपेट में आए। अब इजरायल ने इस ऑपरेशन का कोड नाम दिया नॉर्दर्न एरोज। चौबीस सितंबर इजरायली हमले में हिजबुल्ला का एक और सीनियर कमांडर इब्राहिम कोवैसी मारा गया। एक के बाद एक हिजबुल्लाह का टॉप ऑर्डर खत्म होता जा रहा था। पच्चीस और छब्बीस सितंबर को भी जबरदस्त हवाई हमले जारी रहे। इस बीच अमेरिका और फ्रांस युद्ध विराम की बातें करते रहे, कहा और स्थिति खराब ना हो, ये आग और ना फैले। लेकिन इजरायल ने साफ कहा जीत तक वो नहीं रुकेगा। यूएन जनरल असेंबली की सालाना बैठक शुरू हो गई। नेतन्याहू न्यूयॉर्क पहुंचे। रिपोर्ट बताती है कि ये वक्त एक इन पर्सन बैठक के लिए हिजबुल्लाह के उच्च स्तर को ठीक लगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो अब बम थे, लेकिन ये कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। सत्ताईस सितंबर मोसाद के खबरी जमीन पर भी थे। पता चला खुद हसन नसरल्लाह बेरूत में बैठक कर रहा है, जमीन से 30 से ज्यादा मीटर नीचे बंकर में। और फिर एक के बाद एक मिसाइलों ने लेबनान को दहला दिया। इन हमलों में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर भी तबाह हो गया। कहा जा रहा है कि इजराइल ने अपने खबरी को हिजबुल्लाह में भी प्लांट कर रखा था, उसी ने इस खुफिया बैठक की सही जगह लीक कर दी। ये हमले इतने ताकतवर थे कि हमले की जगह बचा बस एक विशालकाय गड्ढा। और इसी के साथ खत्म हो गया हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह। और इजराइल ने एक लाइन में कहा, नसरल्लाह अब दुनिया में आतंक नहीं फैला सकेगा। हसन नसरल्लाह अब दुनिया पर आतंक फैला नहीं सकेगा। नसरल्लाह का शव मलबे से निकाल लिया गया है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनके मुताबिक नसरल्लाह के शरीर पर जख्म का कोई निशान नहीं मिला है। और इस तरह बस 10 दिन में हिजबुल्लाह तबाह हो गया। हिजबुल्लाह अब भी कह रहा है कि वो जंग जारी रखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 दिन में इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी और हिजबुल्लाह ठीक से जवाब तक नहीं दे पाया। जाहिर है इन 10 दिनों में इसराइल इतना निर्णायक हमला कर पाया तो इसके पीछे बरसों की तैयारी रही होगी। पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के पीछे जाहिर है लंबी तैयारी थी। लेबनान की जमीन पर खबरी प्लांट करना कोई एक दो हफ्ते की बात नहीं हो सकती। अब दुनिया चौकन्नी होकर देख रही है कि ईरान क्या करता है, हिजबुल्लाह के समर्थक हूती क्या करते हैं और खुद हिजबुल्लाह क्या कर पाता है। कदम्बनी शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।